जैसे मैंने अभी बताया कि ये क्या है, ये देखिए आपको डिकोडिंग करना आ गया, समझिए ना आप डिकोडिंग क्या है और भाषा की समझ कब बनेगी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने MDU से MBA हिंदी किया था और वहाँ पे डॉक्टर नरेश मिश्र जी ने जो किताबें लिखते हैं उन्होंने हमें भाषा विज्ञान पढ़ाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि दुनिया में अगर सबसे वैज्ञानिक भाषा है तो वो है हमारी हिंदी भाषा। हर चीज वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है, कहीं पे भी कोई कमी नहीं है। अब यही बात आई थी कि उन्होंने कहा कि एक पोस्टमास्टर था, चिट्ठी आई, कामिनी नाम का लेटर था, तो उसने अपने डाकिया को दे दिया था, वो उसको भाई देखते आओ उसको जिसकी चिट्ठी है। अब वो बेचारा डाकिया, आपको पता कितनी इंग्लिश पढ़ी लिखी होती है उनकी, तो अंग्रेजी जितनी आती अच्छी सबको पता है। अब वो बंदा जो है उसको कामिनी को कमीनी पढ़ रहा है और जाके आस पड़ोस में जाके कहता है कि जी कमीनी का घर कहाँ है। और यही था कि वो उसी औरत के पास जाके पूछ रहा जिसका नाम कामिनी था, तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। हिंदी भाषा में ये नहीं है, यहाँ कामिनी लिखा है तो कामिनी ही पढ़ा जाएगा और कामिनी ही बोला जाएगा, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ा जाता है और वैसा ही बोला जाता है। ये हमारी हिंदी भाषा की खासियत है। और अगर आपने ये देखा नहीं होगा तो ये वर्गीकरण देखिए, इसका भाषा का वर्गीकरण, जो क वर्ग है वो हमारा कंठ से बोला जाता है, बोल के देख लीजिए सारे जो हैं क से लेकर आपके क ख ग घ सभी कंठ से बोले जाएंगे। और जो पंचम ध्वनि होती है हमारी वो नासिका ध्वनि होती है, यानी नाक से बोली जाएगी, अंग ञ अण ये सब जो है हमारी नाक में बोली जाती है। इतना गहन अध्ययन करने के बाद जो भाषा है वो है हमारी हिंदी भाषा, और हमें गर्व होना चाहिए। आज देख लीजिए हमारे देश में सोनिया गांधी को कितने साल हो गए रहते हुए, लेकिन वो हिंदी नहीं बोल पा रही है, नहीं बोल पा रही है, क्योंकि हमारा जो जहाँ पे हम जन्म लेते हैं उस स्थिति का, उस भौगोलिक परिवेश का हमारी बोलचाल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगर आप एक साउथ इंडियन को हिंदी बोलते हुए सुनोगे तो आपको अलग से पता लग जाएगा कि ये हमारे देश का, मतलब हमारे नॉर्थ कंट्री का नहीं है, साउथ से है, साउदर्न पार्ट से है। अगर इसी को अरबी जो है वो आपने इंग्लिश बोलने देखी होगी उनके, इस तरह से कुछ बोलेंगे उनकी इंग्लिश। और जब हम उनको कैनेडियन को और अमेरिकन को देखते हैं उस तरह से बोल सकते, सबका एसेंट, सबकी जो भाषा की जो चेतना है उनकी अलग है। और वही जो हम यहाँ पे अगर हरियाणवी बोलते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ ना तो मुझे पहले ही बता दें कि सर आप हरियाणा के हो ना, अब आपकी आवाज़ ही लग रहा है। और हम हरियाणा में भी ये पहचान लेते हैं, ये जींद का है, ये अम्बाले का है, ये सिरसा का है, ये रोहतक का है, उनकी भाषा को हम तुरंत पहचान लेते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी के चेहरे पे स्माइल है, आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए मैं आपके लिए तहलिया बजाता हूँ कि आप मुझे ध्यान दे रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यान से सुनने के लिए। तो भाषा में मैम दो ही चीज़ें हैं कि भाषा वो है जो एक भाषा भाषी समाज आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहा है। ये नहीं है कि कन्नड़ वाला या मलयालम वाला हिंदी भाषा बोल रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो उसकी भाषा नहीं है। और वही बंदा सीख सकता है जिसकी भाषा उस स्तर पर है, वो जिस जगह पर जिस भौगोलिक स्थिति में रह रहा है वहाँ पे उसको जो समझाया जा रहा है वो बोला जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि एक अंग्रेज का बच्चा 3 साल की उम्र में सब कुछ इंग्लिश में हाई फाई बोलने लग जाता और हमारा बच्चा जो है उसको काफ़ी टाइम लगता, क्यों? क्योंकि वो सुनता ही वही है, उसकी कोडिंग वही हो रही है मैम, वो कोडिंग ही वही हो रही है उसकी। तमिल वाला तमिल बोल रहा है, उड़िया वाला उड़िया बोल रहा है, क्योंकि उसके सामने जो बोल रहे हैं ना हम उसी का अनुकरण करके सीखते हैं। जो भी कुछ है हम देखकर सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, ये सर्वविदित तथ्य है। इसमें कोई भी कहीं पर भी पर्सन चेंज नहीं लगा सकता। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर मैं किसी दूसरी अन्य भाषा में बात करने लगूँ तो शायद आप ये सोचेंगे ये पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, और सभी अपने फ़ोन खोल के बैठ जाओगे, या आपको अगर अच्छा नहीं लगा तो आप हो सकता है यहाँ से बाहर भी निकलना शुरू करें। भाषा में
शब्दावली का चयन करते समय हमें इस बात का विशिष्ट रूप से ध्यान रखना है कि उसमें कोई ऐसा शब्द ना हो कि जो हमारी समझ से परे हो। हर शब्द का अर्थ बच्चा जानता उसे परिचित हो। बीच बीच में कभी कभी हम एक शब्द ऐसा ले आए जो बच्चे को नहीं पता है और उसके बारे में 10-12 बार बताए और सर कह रहे थे ना कि 20 मिनट तक बोलना चाहिए, उसके बाद हमें बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ रोचक गतिविधि कर लेनी चाहिए या उनका ध्यान भटकना चाहिए। मैं अपनी कक्षा में ऐसा करता हूँ कि मैं उल्टा गलत पढ़ा देता हूँ, गलत बोल देता हूँ, गलत लिख देता हूँ, 6 को उल्टा लिख दिया, बच्चों को अरे सर सर गलत लिख दिया आपने, क्या गलत लिख दिया बेटा, सर ये सीधा होगा, फिर मैं उसको थोड़ा सा उल्टेढ़ा कर दूं, अरे सर ऐसे नहीं होगा। जो बिल्कुल जिनको L1 बच्चा कहते हैं हम, वो बच्चा भी बड़े ध्यान से और फकर से कहता, ओह देखे सर ने गलत लिखा, मैंने ठीक करा दिया। और उस बच्चे को मेरी आवाज में इतनी धमक हो गई कि ऊपर से चीजें गिर गई, पता सर पता क्या, ये चीजें यही कक्षा में होनी चाहिए कि ताकि एक बार बीच में आपके चेहरे पर स्माइल आ सके और बच्चा जो है वो आपकी बात को ध्यान से सुने। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्वान हैं, प्रखर बुद्धिमती हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन मैं एक अदना सा, जितना मुझे मुझे पता था थोड़ा बहुत, मैं आपके सामने साझा करने के लिए आया था। अगर शब्दों में या कुछ कोई भी किसी तरह की भी कोई गलत बात निकली हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।